नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। पर्यावरण बचाने सहित पॉलीथीन मुक्त बनाने और चित्रकूट की पवित्र नदी मंदाकिनी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए रविवार को मंदाकिनी नदी के भरत घाट पर युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन युवा समाज सेवी ओम राज तिवारी और उनके सहयोगियों द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मौजूद चित्रकूट स्थित कामतगिरि प्रदक्षिणा का प्रमुख द्वार मंदिर के संचालक संत मदन गोपाल दास सहित पर्यावरणविद अभिमन्यु भाई, समाजसेवी गोपाल जी भाई, ग्रामोदय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वीरेंद्र उपाध्याय, पर्यावरण विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर घनश्याम दास गुप्ता के अलावा भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष दिव्या त्रिपाठी द्वारा युवाओं को संबोधित किया गया। इस दौरान पर्यावरणविद अभिमन्यु भाई द्वारा कहा गया कि जीवन के लिए जल सबसे महत्वपूर्ण है और बिना पर्यावरण संरक्षण किए जल का संरक्षण नहीं किया जा सकता। संत मदन गोपाल दास द्वारा संबोधित करते हुए युवाओं से कहा कि हमें अधिकाधिक वृक्ष लगाते हुए पर्यावरण को संरक्षित रखना होगा। इसके अलावा चित्रकूट को साफ स्वच्छ बनाए रखने के लिए पॉलीथीन मुक्त अभियान चलाना होगा, जिसमें पूरे समाज का सहयोग आवश्यक है। कार्यक्रम के अंत में युवाओं सहित उपस्थित सभी लोगों को पर्यावरण संरक्षण और पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए शपथ दिलाई गई। पॉलीथीन भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट, इसके कारण नष्ट हो रही है, इसके कारण नष्ट हो रही है पॉलीथीन। ये मंदाकिनी नदी और पूरी दुनिया की नदी को बचाने के लिए आज हमारे पूज्य संत मदन गोपाल दास जी ने एक युवा पीढ़ियों के माध्यम से एक शपथ ग्रहण का कार्यक्रम रखा था, जिससे युवा पीढ़ी जागृत हो और उन्हें आगे मंदाकिनी बचाने के लिए वो शपथ लें, और जब शपथ लेंगे तो यकीनन कुछ ना कुछ उनके अंदर परिवर्तन आएगा और माँ मंदाकिनी का संरक्षण एवं उसका बचाव के लिए कुछ ना कुछ कार्यक्रम होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि इस कार्यक्रम से बहुत बच्चों युवाओं के अंदर बहुत एक प्रेरणा आएगी और कुछ मंदाकिनी को बचाने के लिए वो लोग नए नए आयाम ढूंढेंगे, और उन पर जो आज कचरा सिंगल यूज प्लास्टिक जो कि हर घर में पाई जाती है उस पर भी बैन लगेगा। मैं महिला होने के नाते आज मैंने भी एक वादा किया है कि मैं अपने घर में कम से कम 0 पॉलीथीन का उपयोग करूंगी, और आज से ही मैंने निर्णय लिया है कि मैं भी एक थैला प्लास्टिक वो कपड़े का थैला लेके जाऊंगी और बिल्कुल पॉलीथीन का उपयोग बंद कर दूंगी। जैसा कि स्कूल, मैं अब दूसरे का नहीं, मैंने घर का खुद उदाहरण बता रही हूँ कि हमारे घर में महामृत्युंजय की पूजा हुई थी तो मुझे कहा गया गंगा जी में डालना। हमारे घर के लोग नाराज भी हुए लेकिन मैंने नहीं डाला, क्योंकि 4 बाल्टी कचरा निकलता है। 4 बाल्टी जहाँ भी जिस गंगा जी में डालेंगे वो उस 1 मीटर का एरिया पूरा प्रदूषित हो जाएगा। ऐसी मान्यता है कि देवी देवताओं की पूजा के बाद जो फूल और निकलते हैं उनको गंगा जी में डालो, लेकिन मेरा मानना है कि एक देवता को प्रसन्न करने के लिए हम गंगा मैया को नाराज करते हैं, इसलिए ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि की पूजा की सामग्री गंगा जी में डाली जाए। उसमें किसी भी सूखे स्थान पर, मैं तो कह रही हूँ कि हर घर में एक बगिया होती है, छोटा सा गार्डन होता है, वो उन्हीं गार्डन में ही मिट्टी के भी भगवान डालें और जो फूल पौधे बचते हैं उन्हीं के नीचे डालें, उससे खाद भी बनती है। तो एक नई जो सोच है, नई ऊर्जा के साथ, कि उससे खाद बनेगी और वो पौधों को भी फायदा करेगी। आज का कार्यक्रम था पर्यावरण को बचाने के लिए, माँ मंदाकिनी के संरक्षण के लिए, उनकी अविरलता निर्मलता के लिए सारे युवकों को शपथ दिलाई है माँ मंदाकिनी के पावन तट पर, कि जो भी सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर के और जो नित्य ही यहाँ पर सामग्री पूजन सामग्री में प्लास्टिक के रूप में फेंक रहे हैं वो यहाँ पर प्रतिबंधित हो। आसपास के घाटों पर जो दुकानें लगी हैं वो सामग्री दे रहे हैं पॉलीथिन में, तो वो भी प्रतिबंधित हो। तो इसमें यहाँ पर नगर प्रशासन के भी लोग थे, यहाँ पर उपस्थित थे, जनप्रतिनिधि भी थे, और युवाओं को बुलाया था। अगर युवाओं के अंदर क्रांति आ जाएगी तो निश्चित रूप से यहाँ पर ये प्रदूषण फैलना बंद हो जाएगा।